नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। इस समय हम लोग विलियम शेक्सपियर के सारे इंपॉर्टेंट प्ले को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट को डिस्कस करेंगे। इस प्ले के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइंस और कैरेक्टर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, प्ले जो टेम्पेस्ट है वो कब लिखा जाता है? ये लिखा जाता है 1611 में, और ये विलियम शेक्सपियर की लास्ट प्ले होती है। और किसी भी राइटर का जो लास्ट वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं स्वान सॉन्ग। देखो, वैसे विलियम शेक्सपियर की जो लास्ट प्ले होती है वो होती है हेनरी एट, ठीक है? और ये प्ले कब लिखी जाती है? ध्यान रखना, ये लिखी जाती है 1613 में। लेकिन हेनरी एट एक कोलैबोरेटिव वर्क होती है, इसको विलियम शेक्सपियर जॉन फ्लेचर की मदद से लिखे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर दोनों मिलकर के हेनरी एट को लिखे हैं। ये विलियम शेक्सपियर का इंडिविजुअल वर्क नहीं होता है, इसीलिए हेनरी एट को विलियम शेक्सपियर का लास्ट वर्क नहीं मानते हैं, लेकिन किसको मानते हैं? टेम्पेस्ट को मानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन सा प्ले होगा? द टेम्पेस्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी तरीके से अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन मिल्टन का लास्ट वर्क है सैमसन एटनिस्ट और पैराडाइज रिगेन। ये दोनों वर्क 1671 में पब्लिश होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का लास्ट वर्क है प्रिल्यूड, ये 1850 में पब्लिश होती है। और जॉन गॉल्सवर्थी का लास्ट वर्क है उनकी थर्ड ट्रायोलॉजी, और उसका नाम है द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पीपी सैली का लास्ट वर्क है द ट्रायंप ऑफ लाइफ। जॉन कीट्स का लास्ट वर्क है द ब्राइट स्टार। ऐसे ही चार्ल्स डिकेंस का लास्ट वर्क है द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और अल्फ्रेड हॉपकिंसन का लास्ट वर्क है क्रॉसिंग ऑफ द बार। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की एक ऐसी प्ले है जिसको तीन अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीन अलग अलग कैटेगरी के कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है। टेम्पेस्ट को ड्रामेटिक रोमांसेस के भी कैटेगरी में रखा गया है। विलियम शेक्सपियर के जो लास्ट फोर वर्क्स हैं वो ड्रामेटिक रोमांसेस है। ड्रामेटिक रोमांसेस के लिए हम लोगों ने कोड याद किया था पेसी के लिए। विंटर की रात में टेम्पेस्ट को कोर्ट में बुलाया गया, तो पेसी से हम लोग याद किए थे पैरिकल, सिंबल लाइन, विंटर स्टेल और टेम्पेस्ट। ये चार विलियम शेक्सपियर के ऐसे प्लेस हैं जो ड्रामेटिक रोमांसेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। चूंकि टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की लास्ट प्ले है, और फिर ये किस कैटेगरी में रखी जाएगी? ड्रामेटिक रोमांसेस की कैटेगरी में रखी जाएगी। इसके अलावा द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की ऐसी प्ले है जिसको ट्रेजिक कॉमेडी के भी कैटेगरी में रखा जाता है। ट्रेजिक कॉमेडी ऐसी प्ले होती है जिसकी बिगिनिंग अनप्लीजेंट हैपनिंग के साथ होती है और जिसका अंत हैप्पी एंडिंग के साथ हो जाए, ऐसे प्ले को ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। तो टेम्पेस्ट में भी देखो, बिगिनिंग में प्रॉस्पेरो और मिरांडा के साथ बहुत सारे अनप्लीजेंट हैपनिंग्स होती हैं, और लास्ट में हम लोग देखते हैं जितने भी अपहिवल्स होते हैं और कैरेक्टर्स के बीच में एनिमोसिटी का जो फीलिंग होता है वो सब सेटल डाउन हो जाता है और प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग टेम्पेस्ट को ट्रेजिक कॉमेडी के भी कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की ऐसी प्ले है जिसको ओरिजिनल प्लॉट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट के लिए कहीं से भी सोर्स नहीं लिया है। देखो, हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद किया था, विलियम शेक्सपियर की फोर ऐसे प्लेज हैं जिसको ओरिजिनल प्लॉट की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके लिए कोड हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद किया था, द टेम्पेस्ट लॉस्ट हिज ओरिजिनल वाइफ इन द मिडसमर नाइट ड्रीम। इसको डिकोड करने पर फोर विलियम शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट वाले प्ले होंगे, द टेम्पेस्ट, लव लेबर लॉस्ट, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और मिडसमर नाइट ड्रीम। तो ध्यान रखना, द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की एक ऐसी प्ले है जिसको तीन अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ये ड्रामेटिक रोमांसेस भी हैं, ट्रेजिक कॉमेडी भी हैं और ओरिजिनल प्लॉट वाली प्ले हैं। तीनों आपको याद रखना है, तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पिछले दो एग्जाम में कैटेगरी से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है। देखो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की एक ऐसी प्ले है जिसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहीं से नहीं लिया है। ये विलियम शेक्सपियर की एक ओरिजिनल प्लॉट वाली प्ले है, लेकिन उस समय एक वर्क आती है सिल्वेस्टर जॉर्डियन की द डिस्कवरी ऑफ बरमूडा, ये आती है 1610 में। इस प्ले से विलियम शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट लिखने की प्रेरणा ली है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, होता क्या है, एक रीजन है ट्रेंगल जैसा अटलांटिक ओशन में जिसको बरमूडा ट्रेंगल कहते हैं। इसके पहले इसका नाम था आइस ऑफ डेविल। ये एक ऐसा रीजन या टेरिटरी होता है जो बहुत ही मिस्टीरियस है। इसके रेंज में कोई भी शिप या एरोप्लेन जाता है तो ये जो रीजन है उसे अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर आप कहो ये अपने में समा लेता है। अब तक इस बरमूडा ट्रेंगल के रीजन में 50 शिप और 20 एरोप्लेन समा जा चुके हैं, और इस स्टोरी में दिखाया गया है कि एक शिप जो है इस रीजन के आसपास पहुंच जाती है और रेक हो जाती है, और 9 मंथ्स के बाद एक सेलर
वापस इंग्लैंड पहुंचता है और ये घटना अनबिलीवेबल होती है और चर्चा का विषय बन जाती है। और इसी घटना से विलियम शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट लिखने की प्रेरणा पाई है। और द टेम्पेस्ट की सेटिंग कहाँ होती है, तो ध्यान रखना इसकी सेटिंग होती है एक इंचेंटेड आइलैंड, जिसका विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले में नाम नहीं दिया है। और ये इंचेंटेड आइलैंड कहाँ होता है, मेडिटेरियन सी में होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग इस प्ले के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो मिलान का राइटफुल ड्यूक होता है। इसे पढ़ने का बहुत शौक होता है। प्रॉस्पेरो की आदत होती है डिफरेंट टाइप्स के बुक को पढ़कर अपनी नॉलेज को गेन करना। खास करके इसे मिस्टीरियस और मैजिकल बुक पढ़ना बहुत पसंद था और ये अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया था सिर्फ रीडिंग के लिए। ये जो है लाइब्रेरी में मोस्ट ऑफ द टाइम किताबों को पढ़ने में स्पेंड करता था और पूरा राज्यभाग अपने छोटे भाई एंटोनियो, जिसको संसार में वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसको सौंप देता है। और एंटोनियो इसका फायदा उठाता है। सबसे पहले वो मिलान के लोगों को अपने फेवर में करता है, फिर एलेंसो जो कि किंग ऑफ नेपल्स होते हैं इनको भी अपने फेवर में लेकर के प्रॉस्पेरो को एग्जाइल या बैनिस्ड होने के लिए मजबूर कर देता है। तो ध्यान रखना प्रॉस्पेरो ये मिलान का राइटफुल ड्यूक होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो प्रॉस्पेरो का छोटा भाई होता है। एंटोनियो एलेंसो जो कि किंग ऑफ नेपल्स होते हैं उनकी हेल्प से प्रॉस्पेरो को बैनिस्ट कर देता है, लेकिन एलेंसो कुछ कंडीशंस एंटोनियो के सामने रखता है। एंटोनियो को अब एलेंसो को कुछ फिक्स्ड अमाउंट हर साल देना होता था, साथ में एलेंसो के हर एक ऑर्डर्स को एंटोनियो को ओबे करना होता था। इन सब चीजों से एंटोनियो ऊब जाता है। फिर एंटोनियो क्या करता है, सेबेस्टियन जो कि एलेंसो का छोटा भाई होता है उसको एनकरेज करता है कि एलेंसो की वो हत्या कर दे और मेरी तरफ वो भी नेपल्स का राजा बन जाए। तो ध्यान रखना एंटोनियो एक तरफ तो अपने बड़े भाई प्रॉस्पेरो को एलेंसो की मदद से बैनिस्ट करता है और दूसरी तरफ एंटोनियो एलेंसो के छोटे भाई सेबेस्टियन को भी एनकरेज करता है कि वो एलेंसो की हत्या कर दे और वो खुद नेपल्स का राजा बन जाए। एक चीज मुझे यहाँ पे ऐड करना है, एंटोनियो नेम का कैरेक्टर आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी मिलेगा, वहां पे वेनिस का मर्चेंट होता है। और दूसरा आपको एंटोनियो नेम का कैरेक्टर ट्वेल्थ नाइट में मिलेगा, वहां पे वो सी कैप्टन होता है और सेबेस्टियन का फ्रेंड होता है। और एंटोनी, ध्यान रखना एंटोनी नेम का कैरेक्टर आपको दो जगह मिलेगा, एक तो जूलियस सीजर में मिलेगा और दूसरा एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में मिलेगा। और सेबेस्टियन आपको याद आ रहा है ट्वेल्थ नाइट में ये वायला का भाई होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिरांडा। ये प्रॉस्पेरो की डॉटर होती है। जब प्रॉस्पेरो को बैनिश किया जाता है तो प्रॉस्पेरो मिरांडा को लेकर के इंचेंटेड आइलैंड की तरफ जाता है। और उस समय मिरांडा की एज कितनी होती है, उस समय होती है 3 इयर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब प्ले की बिगनिंग होती है उस समय मिरांडा की एज कितनी होती है, 15 इयर्स होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एरियल। ये एक एरी स्प्रिट होता है, इसके अंदर मैजिकल पावर होती है और ये किसके लिए काम करता है, प्रॉस्पेरो के लिए काम करता है। प्रॉस्पेरो के सारे ऑर्डर्स को कौन एक्सक्यूट करता है, एरियल ही करता है। उसके पीछे कारण ये था कि प्रॉस्पेरो के पहले इस इंचेंटेड आइलैंड पर किसका रूल था, साइकोरेक्स का था। साइकोरेक्स ही इस पूरे इंचेंटेड आइलैंड की केयरटेकर थी और एक बार इसने एरियल को कुछ ऑर्डर किया था और एरियल ने उसको डिसओबे किया और उसके लिए एरियल को साइकोरेक्स ने कैद खाने में डाल दिया। साइकोरेक्स की डेथ के बाद जब प्रॉस्पेरो उस इंचेंटेड आइलैंड पे पहुंचता है तो एरियल को उस कैद खाने से मुक्त करता है। उसके बाद से एरियल किसके लिए काम करता है, प्रॉस्पेरो के लिए काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एलेंसो। ये नेपल्स के किंग होते हैं। एलेंसो ये वही कैरेक्टर होते हैं जो प्रॉस्पेरो के छोटे भाई एंटोनियो की हेल्प करते हैं प्रॉस्पेरो को बैनिस्ट कराने में। इन्हें अपनी गलती का एहसास तब होता है, या फिर कहो एलेंसो का हृदय परिवर्तन तब होता है जब इनके ऊपर खुद विपत्ति आती है, जब इनका खुद डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और एलेंसो और प्रॉस्पेरो के बीच में जो दुश्मनी थी वो तब बदल जाती है जब एलेंसो के लड़के फर्डिनेंड की शादी प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा से हो जाती है। तो ध्यान रखना एलेंसो ये नेपल्स के किंग होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन एलेंसो का भाई होता है और ये बड़ा ही क्रेडुलस नेचर का व्यक्ति होता है। तभी तो एंटोनियो सेबेस्टियन को बहुत आसानी से मना लेता है कि अपने भाई एलेंसो की हत्या करके खुद नेपल्स के राजा बन जाए। तो ध्यान रखना सेबेस्टियन ये एलेंसो का भाई होता है और एंटोनियो प्रॉस्पेरो का भाई होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड एलेंसो का लड़का होता है। ध्यान रखना टेम्पेस्ट में फर्डिनेंड एलेंसो का लड़का रहता है
और लव सिलेबल लॉस्ट में फर्डिनेंड नेम का कैरेक्टर आता है और वहां पे वो किंग ऑफ नवारी होता है। और फर्डिनेंड किससे लव करता था? मिरांडा से करता था। और फर्डिनेंड और मिरांडा के बीच में जो मैरिज होती है वो प्रॉस्पेरो और एलेंसो के बीच में जो एनिमोसिटी चल रही होती है वो वाइंड अप हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है और प्रॉस्पेरो और एलेंसो एक दूसरे के रिलेटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्टेफनो। ये किंग एलेंसो का बटलर होता है। बटलर जो राज दरबार का मेन कुक होता है, मेन जो रसोइया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बटलर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, स्टेफनो किंग एलेंसो का बटलर तो होता ही है, साथ में ये कॉमिकल कैरेक्टर होता है और ये शराबी भी होता है। पूरे प्ले में आप देखेंगे ये ड्रिंकिंग की अवस्था में आपको दिखेगा। तो ध्यान रखना है, स्टेफनो ये किंग एलेंसो का बटलर होता है और साथ में ट्रिंकलो ये किंग एलेंसो का जेस्टर होता है। जेस्टर जिसको किंग अपॉइंट करता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, खास करके स्टोरी या जोक सुना करके। तो ध्यान रखना, ट्रिंकलो क्या होता है? ये एलेंसो का जेस्टर होता है और ये दूसरा कॉमिकल कैरेक्टर होता है। ठीक है, स्टेफनो तो कॉमिकल कैरेक्टर होता ही है और साथ में ट्रिंकलो भी कॉमिकल कैरेक्टर होता है। और ट्रिंकलो जो कैरेक्टर है वो स्टेफनो से थोड़ा कम अट्रैक्टिव है, लेकिन स्टेफनो से ज्यादा कावर्ड है। एक चीज मुझे यहाँ पे ऐड करना है, कावर्डली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप एल वाई देख करके प्लीज इसको एडवर्ब नहीं समझना, कई बार इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और कावर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है गुंजालो। ये एक नोबल मैन होता है और एलेंसो का एडवाइसर होता है। जब प्रॉस्पेरो को बैनिस्ट किया जाना था तो गुंजालो को आदेश दिया जाता है कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा का किडनैप किया जाए। लेकिन गुंजालो प्रॉस्पेरो का किडनैप तो नहीं करता है, लेकिन गुंजालो के लिए एक बोट, उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और मैजिकल बुक्स प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? गुंजालो करता है, ताकि प्रॉस्पेरो एक सेफ जगह पे जा सके। आपको याद आ रहा होगा जब हम लोग प्ले हैमलेट को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे एक कैरेक्टर आया था गुंजागो, और वहां पे ये गया था प्लेयर किंग था। तो ध्यान रखना, गुंजागो ये कैरेक्टर हैमलेट का है और गुंजालो ये कैरेक्टर टेम्पेस्ट का है, और इसने प्रॉस्पेरो की मदद किया था सैपली बैनिस्ट होने में। इसके अलावा कुछ और माइनर कैरेक्टर हैं, जैसे साइकोरेक्स, ये एक विशेष विच होती है, कैलिबन की मदर होती है, और प्रॉस्पेरो के इस इंचेंटेड आइलैंड पर आने से पहले पूरे आइलैंड पर किसका रूल होता है? साइकोरेक्स का ही होता है। और प्रॉस्पेरो के आने से पहले साइकोरेक्स की डेथ हो चुकी रहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैलिबन। ये एक सैवेज कैरेक्टर होता है। सैवेज का मतलब वेरी क्रूएल और वायलेंट होता है, और प्रॉस्पेरो कैलिबन को जबरदस्ती अपना गुलाम बना के रखता है, अपना दास बना के रखता है। हालांकि कैलिबन प्रॉस्पेरो का दास नहीं बनना चाहता है, उसके पीछे कारण ये रहता है कि कैलिबन साइकोरिक्स का लड़का होता है, और साइकोरिक्स के मरने के बाद उस इंचेंटेड आइलैंड का उत्तराधिकारी किसको होना चाहिए? कैलिबन को होना चाहिए, और यही कारण है कि कैलिबन पूरे प्ले में प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा को पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एड्रेन और फ्रांसिस्को। ये किंग एलेंसो की कोर्ट के माइनर लॉर्ड्स होते हैं। ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनके नेम आपको याद रखना है। माइनर कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, एड्रियन और फ्रांसिस्को ये विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं? द टेम्पेस्ट के कैरेक्टर हैं। इसके अलावा तीन ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो फर्डिनेंड और मिरांडा के वेडिंग मास्क में अपीयर होती हैं। पहली जो स्पिरिट होती है उसका नाम है आयरिस, ये रेनबो की ग्रीक गॉडेस होती है। नेक्स्ट स्पिरिट है सर्स, ये हार्वेस्ट की ग्रीक गॉडेस होती है, और ये मिरांडा फर्डिनेंड को उसके प्रॉस्पर लाइफ होने का वरदान देती है। उसके बाद है ज्यूनो, ये ग्रीक गॉडेस की क्वीन होती है, और ये मिरांडा फर्डिनेंड को उसके वेल्दी लाइफ होने का वरदान देती है। तो इतने सारे मेजर और माइनर कैरेक्टर्स हैं, इनको आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग इस प्ले की इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे। पहली लाइन है, ओ आई हैव सफर्ड विद दोस दैट आई सॉ सफर, अ ब्रीफ वेसल हु हैड नो डाउट सम नोबल क्रीचर्स इन हर डैस्ड ऑल टू पीसेस। ये लाइन मिरांडा एक्ट वन सीन टू में अपने फादर प्रॉस्पेरो से कहती है, और ये लाइन मिरांडा अपने फादर प्रॉस्पेरो से तब कहती है जब समुद्र में अचानक एक टेम्पेस्ट को क्रिएट किया जाता है और आसमान पूरा ब्लैक हो जाता है। वो एक शिप होता है जो किनारों पर आकर के ऐसा दिखाया जाता है कि वो शिप रेक हो गया है, हालांकि शिप रेक होता नहीं है, वो सिर्फ इलूजन होता है मिरांडा को। मिरांडा अपने फादर से कहती है कि अगर आपने समुद्र में इस टेम्पेस्ट को क्रिएट किया है तो प्लीज उसको काम डाउन करिए, क्यों
क्योंकि वो कहती है कि आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफर। वो कहती है कि जब मैं किसी को दुख में या दर्द में देखती हूँ तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। फिर आगे कहती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो मैग्निफिकेंट वेसल है, जो शिप है, उसमें बड़े ही नोबल मैन बैठे हुए हैं और सारे के सारे लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसके आगे मिरांडा ये भी कहती है कि काश मैं भगवान होती, मेरे पास थोड़ी सी भी पावर होती, तो इस समुद्र में तूफान उठने से पहले, शिपरेक होने से पहले मैं समुद्र को ऑर्डर करती कि वो सूख जाए। तो मिरांडा की बात सुनकर प्रॉस्पेरो कहते हैं, तुम्हें पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम अपने दयालु हृदय को समझा दो, इसमें बैठे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। ध्यान रखना ये लाइन मिरांडा प्रॉस्पेरो से एक्ट वन सीन टू में बोलती है। नेक्स्ट लाइन है, फर्डिनेट विद हेयर अप स्टार्टिंग देन लाइक रीड्स नॉट हेयर वाज द फर्स्ट मैन दैट लीप्ड क्राइड हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। ये लाइन एरियल एक्ट वन सीन टू में प्रॉस्पेरो से कहता है। ध्यान से समझना है होता क्या है, हम सबको पता है प्रॉस्पेरो को उसका भाई एंटोनियो एलेंसो की मदद से बैनिस्ट कर देता है। उस समय मिरांडा की एज कितनी होती है, 3 ईयर्स होती है। 12 ईयर्स के बाद यानी जब मिरांडा की एज 15 ईयर्स हो जाती है, तब प्रॉस्पेरो को एक चांस मिलता है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। एक सिप होती है जो अफ्रीका से रिटर्न हो रही होती है एक वेडिंग पार्टी को अटेंड करके, उसमें प्रॉस्पेरो के सारे एनिमीज बैठे होते हैं, उसमें एंटोनियो भी होता है, एलेंसो भी होता है, एलेंसो का भाई सेबेस्टियन भी होता है, स्टेफनो, ट्रेंकिलो और गुंजालो, ये सारे कैरेक्टर्स बैठे होते हैं। प्रॉस्पेरो एरियल को बुलाता है जिसमें मैजिकल पावर भी होती है। एरियल को कहता है, देखो तुम्हें समुद्र में एक टेम्पेस्ट को क्रिएट करना है और इस बात को सुनिश्चित करना है कि वो शिप हमारे इनचैंटेड आइलैंड पे आने चाहिए और सारे पैसेंजर सेफली आने चाहिए। और एरियल वैसा ही करता है, वो समुद्र में एक आर्टिफिशियल टेम्पेस्ट को क्रिएट करता है जिससे शिप उस इनचैंटेड आइलैंड के पास आकर रेक हो जाती है और जितने भी उसमें पैसेंजर्स बैठे रहते हैं वो एक दूसरे से अलग किनारों पर आकर स्कैटर्ड हो जाते हैं। और सारे पैसेंजर्स यही मान रहे होते हैं कि सिर्फ वही जिंदा है, बाकी सारे पैसेंजर्स की डेथ हो चुकी है। इस लाइन में एरियल जो कुछ भी किया था या देखा था वो सारी बात प्रॉस्पेरो को बताता है। वो कहता है कि सिप में एक पैसेंजर था जिसका नाम था फर्डिनेंड, उसके बाल बिल्कुल खड़े थे रीड की तरह, रीड एक तरह की लकड़ी होती है, नरकट जिसको कहते हैं। तो एरियल कहता है कि फर्डिनेंड उसके बाल बिल्कुल नरकट की तरह खड़े थे, ये पहला आदमी था जो सिप से चिल्लाते हुए कूदता है और कहता है कि हेल जो है खाली हो गया है और सारे डेविल्स यहाँ पे आ गए हैं। तो ध्यान रखना ये लाइन एरियल प्रॉस्पेरो से एक्ट वन सीन टू में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, माय लाइब्रेरी वाज ड्यूकडम लार्ज इनफ, ये लाइन प्रॉस्पेरो एक्ट वन सीन टू में मिरांडा से कहता है। और ये लाइन प्रॉस्पेरो मिरांडा से तब कहता है जब वो अपनी पूरी कहानी मिरांडा को बताता है, किस तरह से वो कभी मिलान का ड्यूक हुआ करता था और मिरांडा को कहता है कि तू वहां की प्रिंसेस थी, लेकिन उसका छोटा भाई एंटोनियो एलेंसो की मदद से प्रॉस्पेरो को मिलान से बैनिस्ट कर देता है। और उसके पीछे कारण भी बताता है कि वो जो है पढ़ने का बड़ा शौकीन था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाइब्रेरी में बिताता था। उसका जो ड्यूकडम था, ड्यूकडम का मतलब होता है वो टेरिटरी जो ड्यूक के द्वारा रूल किया जाता है। तो प्रॉस्पेरो कहता है कि मैं अपने आप को लाइब्रेरी तक ही सीमित कर दिया था और पूरा राज्यभाग एंटोनियो को दे दिया था और वो उसी का फायदा उठाता है। प्रॉस्पेरो की बात सुनकर मिरांडा सरप्राइज्ड हो जाती है। फिर ये लाइन बोलती है, गुड वोम्स हैव बॉर्न बैड सन। मिरांडा कहती है कि उसकी दादी जो कि इतनी नोबल वुमेन होती है, उन्होंने भी उसके अंकल एंटोनियो जैसे बैड आदमी या इविल आदमी को जन्म दिया। मिरांडा का कहने का मतलब ये था कि कई बार अच्छी औरतों के बच्चे भी बैड हो जाते हैं। ध्यान रखना मिरांडा ये लाइन एक्ट वन सीन टू में बोलती है। नेक्स्ट लाइन है, फुल फैंडम फाइट थाई फादर लाइज, ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। ये लाइन एरियल फर्डिनेंड को बोलता है और ये लाइन तब बोलता है जब फर्डिनेंड शिपरेक हो जाता है, किनारे पर आकर के पड़ा होता है और रो भी रहा होता है, उसको ये लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। इसी बीच एरियल आता है फर्डिनेंड को और डरा देता है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर 30 फीट समुद्र के नीचे पड़े हैं। फैंडम ये समुद्र की गहराई नापने का एक मात्रक होता है, 1 फैंडम इक्वल टू 6 फीट। तो फर्डिनेंड को एरियल कहता है कि तुम्हारे फादर 30 फीट समुद्र के नीचे पड़े हैं, उनके बोन्स अब तक कोरल के बन चुके होंगे, उनकी आंखें पर्ल्स जैसी हो गई होंगी और भी समुद्र में जो चेंजेस होते हैं
उनका भी प्रभाव तुम्हारे फादर के ऊपर पड़ा होगा। तो ध्यान रखना, ये लाइन एरियल फर्डिनेंड को एक्ट वन सीन टू में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, ओहो ओहो वुडंट हैड बीन डन थाउ डिडस्ट प्रिवेंट मी आई हैड पीपल्ड एल्स दिस आइल विद कैलिबन्स। ये लाइन कैलिबन प्रॉस्पेरो से कहता है एक्ट वन सीन टू में। कैलिबन और प्रॉस्पेरो के बीच में काफी तीखी बहस हो रही होती है। कैलिबन प्रॉस्पेरो को कंप्लेन करता है कि पहले तुम मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करते थे लेकिन अब नहीं करते हो। प्रॉस्पेरो कैलिबन को डांटते हुए कहता है कि तुम बहुत ही क्रूएल और वायलेंट हो, तुम्हें सिर्फ कोड़े की भाषा समझ में आती है। मैंने पहले तुमसे अच्छे से बिहेव भी किया, तुम्हें मैंने लैंग्वेज भी सिखाने की कोशिश किया लेकिन सब व्यर्थ गया। तुमने रिटर्न में क्या किया? तुमने मेरी बेटी मिरांडा की चैस्टिटी को ब्रेक करने की कोशिश किया। जब ये लाइन प्रॉस्पेरो बोलता है तो कैलिबन बोलता है, ओहो ओहो वुडंट हैड बीन डन, काश मैं ऐसा कर पाता अगर तुम नहीं रोक पाते तो मैं पूरे इस आइलैंड में कई अपने जैसे कैलिबन्स को क्रिएट कर देता, पैदा कर देता। तो ध्यान रखना, ये लाइन कैलिबन प्रॉस्पेरो से कहता है एक्ट वन सीन टू में। नेक्स्ट लाइन है, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट is I know how to curse. The red plague read you for learning me your language. ये लाइन कैलिबन मिरांडा से कहता है एक्ट वन सीन टू में। और ये लाइन मिरांडा से तब कहता है जब मिरांडा इसके पहले कैलिबन को कहती है कि मैंने व्यर्थ में ही तुम्हें लैंग्वेज सिखाया, तुम्हें बोलना भी नहीं आता था लेकिन मैंने तुम्हें हर घंटे नए नए शब्द सिखाए। तुम्हारा नेचर ऐसा है कि आज तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता है और तुम एक ऐसे डेविल हो जिसे सिर्फ कैद खाने में रखा जा सकता है। ये बात सुनकर कैलिबन मिरांडा को कहता है कि देखो, तुमने जो मुझे लैंग्वेज सिखाई है उससे मुझे सिर्फ एक फायदा हुआ है कि अब मुझे तुम्हें श्राप देने आ गया है। कहता है कि जो तुमने मुझे अपना लैंग्वेज सिखाया है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम प्लेग से मर जाओ। ध्यान रखना, ये लाइन कैलिबन मिरांडा से कहता है एक्ट वन सीन टू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लाइन है, दे आर बोथ इन ईदर्स पावर बट दिस स्विफ्ट बिजनेस आई मस्ट अनइजी मेक लेस टू लाइट विनिंग मेक द प्राइस लाइट। ये प्रॉस्पेरो की असाइड होती है एक्ट वन सीन टू में। देखो, प्रॉस्पेरो दो पर्पस से इससे ब्रेक कराता है। पहला उसका पर्पस होता है अपने एनिमीज खास करके एलेंसो और एंटोनियो को सबक सिखाना। दूसरा उसका पर्पस था उसकी बेटी मिरांडा की शादी एलेंसो के बेटे फर्डिनेंड से कराना, और दोनों पर्पस में वो सक्सेसफुल होता है। इस समय मिरांडा और फर्डिनेंड के बीच में अफेयर्स चल रहा होता है। इन दोनों के बीच में लव बहुत तेजी से आगे डेवलप हो रहा था। इसको लेकर के प्रॉस्पेरो थोड़ा सा चिंतित होता है। फिर ये लाइन बोलता है कि दे आर बोथ इन ईदर्स पावर, इन दोनों के बीच में जो लव अफेयर्स है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो कहता है मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, इन दोनों के लव के बीच में मैं कुछ ऑब्स्टिकल डालूंगा, नहीं तो इसी तरीके से अगर इजी वे लव डेवलप होता रहा तो फिर बाद में ये एक दूसरे को इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, ये जो है प्रॉस्पेरो की एक असाइड होती है एक्ट वन सीन टू में। नेक्स्ट लाइन है, दिस इज अ विलन सर आई डू नॉट लव टू लुक ऑन। ये लाइन मिरांडा एक्ट वन सीन टू में कैलिबन के लिए बोलती है, और इस लाइन से पता चलता है कि मिरांडा कितना ज्यादा कैलिबन को हीट करती है। मिरांडा कहती है कि इस विलन को मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, और उसके पीछे कारण ये भी रहता है कि जब भी कैलिबन को मौका मिलता है तो वो मिरांडा को भी हैरेस करने से पीछे नहीं हटता है। तो ध्यान रखना, ये लाइन मिरांडा के द्वारा बोला गया है एक्ट वन सीन टू में। नेक्स्ट लाइन है, आई माइट कॉल हिम अ थिंग डिवाइन फॉर नथिंग नेचुरल आई एवर सॉ सो नोबल। ये लाइन मिरांडा एक्ट वन सीन टू में फर्डिनेंड के लिए बोलती है। मिरांडा जब 3 इयर्स की होती है तभी वो अपने फादर प्रॉस्पेरो के साथ उस इंचेंटेड आइलैंड पे चली जाती है, और मिरांडा अभी तक ओनली 3 पीपल को देखी रहती है। एक तो अपने फादर प्रॉस्पेरो, दूसरा कैलिबन और तीसरा एरियल। इनके अलावा अभी तक मिरांडा किसी को भी नहीं देखा था। जब पहली बार वो फर्डिनेंड को देखती है तो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती है, और इतनी सुंदर आदमी को देख करके मिरांडा फर्डिनेंड के लिए डिवाइन शब्द का यूज करती है। डिवाइन यानी जो ईश्वरीय गुणों से भरपूर हो, वन हु इज इक्विवेलेंट टू गॉड। और इसीलिए इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आदमी को इक्विवेलेंट टू गॉड दिखाया गया है। तो ध्यान रखना, ये लाइन जो है मिरांडा फर्डिनेंड के लिए एक्ट वन सीन टू में बोलती है। नेक्स्ट लाइन है, ओ डियर फादर मेक नॉट टू रैश अ ट्रायल ऑफ हिम फॉर ही इज जेंटल एंड नॉट फियरफुल। ये लाइन मिरांडा एक्ट वन सीन टू में अपने पिता प्रॉस्पेरो से कहती है, और ये लाइन तब कहती है जब प्रॉस्पेरो जानबूझकर एक के बाद एक टफ सिचुएशन फर्डिनेंड के सामने लाता है। ये देखकर मिरांडा
प्रॉस्पेरो से कहती है कि देखो डियर फादर, आप फर्डिनेंड के सामने एक के बाद एक इस तरह के टफ सिचुएशन ना लाएं। वो कैलिबन की तरह फियरफुल नहीं है, लेकिन फर्डिनेंड बहुत ही जेंटल है। तो ध्यान रखना ये लाइन मिरांडा एक्ट वन सीन टू में प्रॉस्पेरो से कहती है। नेक्स्ट लाइन है, मिजरी एक्वेंट्स मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज। ये लाइन ट्रिंकलो एक्ट टू सीन टू में बोलता है। शिप ब्रेक होने के बाद ट्रिंकलो भी किनारे पर पड़ा था और उस समय तेज हवा चल रही थी। ट्रिंकलो उस तेज हवा से बचने के लिए जब आगे बढ़ता है तो देखता है कपड़े का लबादा था, तो वो उसमें शरण लेने की कोशिश करता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कैलिबन ऑलरेडी वहां पे लेटा था। कैलिबन प्रॉस्पेरो से बचने के लिए वहां पे लेटा पड़ा था। ट्रिंकलो कैलिबन को देख करके, चूंकि कैलिबन एक डिफॉर्म डेविल था, फिर ट्रिंकलो ये लाइन बोलता है कि मिजरी यानी दुख या विपत्ति ऐसी चीज होती है जो किसी आदमी को बड़े ही अजीब बेड फेलो से मिला देती है। नेक्स्ट लाइन है, आई एम योर वाइफ इफ यू विल मैरी मी, इफ नॉट आई विल डाई योर मेट। टू बी योर फेलो यू मे डिनाई मी, बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नॉट। ये लाइन मिरांडा फर्डिनेंड से एक्ट थ्री सीन वन में कहती है। मिरांडा फर्डिनेंड को कहती है कि मैं अपने कावर्डली नेचर की वजह से अपने दिल की बात तुमसे नहीं कह पा रही हूँ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। मिरांडा कहती है फर्डिनेंड से कि मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम मुझसे शादी करने से मना करते हो तो मैं कुंवारी मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगी। और अगर तुम मुझसे शादी के लिए मना कर देते हो तो फिर मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो वाइफ के रूप में, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते हो तो एक दासी के रूप में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये लाइन मिरांडा फर्डिनेंड से एक्ट थ्री सीन वन में कहती है। और जब फर्डिनेंड मिरांडा के इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो मिरांडा बहुत खुश होती है। फिर ये लाइन बोलती है, आई एम ए फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ। मिरांडा कहती है कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, जिस चीज को लेकर मुझे खुश होना चाहिए उसी को लेकर मैं विलाप कर रही हूँ, उसी को लेकर मैं रो रही हूँ। ध्यान रखना ये लाइन मिरांडा एक्ट थ्री सीन वन में कहती है। नेक्स्ट लाइन है, ही दैट डाइज पेज ऑल डेट्स। ये लाइन स्टेफनो एक्ट थ्री सीन टू में बोलता है। कैलिबन स्टेफनो और ट्रिंकलो इन तीनों की मीटिंग होती है और इसमें कैलिबन स्टेफनो को एक टास्क देता है कि तुम्हें प्रॉस्पेरो की हत्या करके उसकी मैजिकल बुक चुरा लेनी है, और अगर तुम ऐसा करते हो तो कैलिबन स्टेफनो को बोलता है कि तुम्हारी शादी मैं मिरांडा से करा दूंगा और फिर तुम इस आइलैंड की राजा बनना और मिरांडा रानी बनेगी। और खुद के लिए कैलिबन कहता है कि मैं और ट्रिंकलो तुम्हारे लॉर्ड्स बनेंगे। और इनकी सारी बात एरियल सेक्रेटली सुन लेता है। फिर वो एक मिस्टीरियस हॉरिबल साउंड क्रिएट करता है। इसको सुनकर स्टेफनो और ट्रिंकलो डर जाते हैं और फिर ये लाइन स्टेफनो बोलता है, ही दैट डाइज पेज ऑल डेट्स। स्टेफनो कहता है कि देखो जो आदमी मरता है अपने साथ जो भी वो कर्ज लिया रहता है या जो प्रॉमिस किया रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। स्टेफनो के कहने का मतलब ये था कि जो अभी अभी उसने कैलिबन को प्रॉमिस किया है कि प्रॉस्पेरो की हत्या करेगा, अगर वो मर जाता है तो उसके मरने के साथ प्रॉमिस भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये लाइन जो है स्टेफनो एक्ट थ्री सीन टू में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, द पावर्स डिलेइंग नॉट फॉरगेटिंग आई हैव इंसेंस्ड द सी एंड सोर्स ये ऑल द क्रीचर्स अगेंस्ट योर पीस। ये लाइन एरियल एलेंसो एंटोनियो और सेबेस्टियन से एक्ट थ्री सीन थ्री में कहता है। एरियल इन तीनों को इनकी गलती का एहसास करा रहा है। एरियल कहता है, तुम लोगों को याद आ रहा है आज से 12 साल पहले प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा को तुम लोगों ने बैनिश कर दिया था और उसे समुद्र में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज समुद्र तुम लोगों से बदला ले रही है। भगवान तुम लोगों को पनिशमेंट देने में देरी तो कर रहा है, लेकिन वो भूला नहीं है तुम सबको पनिशमेंट। और ये जो समुद्र में तूफान देख रहे हो और सारे क्रिएचर्स तुम्हारे पीसफुल लाइफ के अगेंस्ट हो गए हैं, वो सब भगवान कर रहे हैं। और एरियल इन तीनों को एक चांस देता है, कहता है कि अगर तुम भगवान की गुस्से से बचना चाहते हो तो सर झुका करके जो तुम लोगों ने इनजस्टिस किया है उसके लिए पश्चाताप करो, माफी मांगो और आगे से एक अच्छा और मॉरेलिटी से भरा जीवन जियोगे, इसका वायदा करो तो भगवान तुम लोगों को माफ कर देगा। तो ध्यान रखना ये लाइन एरियल एलेंसो एंटोनियो सेबेस्टियन से एक्ट थ्री सीन थ्री में कहता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लाइन है, लुक दाउ बी ट्रू डू नॉट कीप डैलियंस टू मच द रेन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ओथ्स आर स्ट्रॉ टू द फायर आई द ब्लड, बी मोर एब्स्टेमियस आर एल्स गुड नाइट योर वाउ। ये लाइन प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड से एक्ट फोर सीन वन में कहता है और यहाँ पे प्रॉस्पेरो
फर्डिनेंड को वार्निंग दे रहा है। फर्डिनेंड को कह रहा है कि देखो तुम्हें मैरिज के पहले प्यूरिटी को मेंटेन करना है, और फर्डिनेंड कहता है तुम्हारी जो एज है उसमें लोग इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है। ये बात प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को कहता है एक्ट 4 सीन 1 में। नेक्स्ट लाइन है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। प्रॉस्पेरो के द्वारा ये लाइन बोला जाता है एक्ट 4 सीन 1 में। इस लाइन का आपको एक्ट और सीन भी याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखो विलियम शेक्सपियर प्रॉस्पेरो के माध्यम से लाइफ की बड़ी गहरी बात बोलते हैं। इस लाइन में कहा गया है कि इन आंखों से हम जो भी देखते हैं वो सब का सब इल्यूजन है, सब का सब फ्लिटिंग वन है, यानी क्षणभंगुर है। विलियम शेक्सपियर प्रॉस्पेरो के माध्यम से कहते हैं कि हम एक ऐसी चीजें हैं जैसे ड्रीम्स बने होते हैं, जैसे स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक वैसे ही जो चीजें हमारे आसपास हैं उनका भी अस्तित्व नहीं है, वो सब समय के साथ डिसअपियर हो जाएंगी। कोई भी चीज जो प्ले के अंदर है, रीडर हो, ऑडियंस हो, या फिर प्लेसेस हो, बिल्डिंग्स हो, टेम्पल्स हो, वो सब के सब समय के साथ डिसअपियर हो जाएंगी। ये लाइन प्रॉस्पेरो एक्ट 4 सीन 1 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, अ डेविल अ बॉर्न डेविल ऑन हूज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक ऑन हुम माई पेन्स ह्यूमेनली टेकन ऑल लॉस्ट क्वाइट लॉस्ट। ये लाइन प्रॉस्पेरो एक्ट 4 सीन 1 में कैलिबन के लिए बोलता है। यहाँ पे प्रॉस्पेरो कैलिबन को डांटता है और कहता है कि तुम जन्म जात डेविल हो, तुम्हें सुधारा नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की, मैंने तुम्हें बहुत सारे मैनर्स सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो सब व्यर्थ गया, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तुमने रिटर्न में क्या किया, तुमने मेरी हत्या करने का प्लान बनाया, और इतना ही नहीं तुमने मिरांडा की प्यूरिटी को भी ब्रेक करने की कोशिश किया। ध्यान रखना ये लाइन जो है प्रॉस्पेरो कैलिबन को डांटते हुए एक्ट 4 सीन 1 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, आई विल ब्रेक माय स्टाफ बरीड सर्टेन फैंटम्स इन अर्थ एंड डीपर देन इट एवर प्लूम साउंड आई विल ड्रॉन माय बुक। ये लाइन प्रॉस्पेरो एक्ट 5 सीन 1 में बोलता है। ये प्रॉस्पेरो का अनाउंसमेंट होता है कि अब वो ब्लैक मैजिक या रफ मैजिक का यूज नहीं करेगा, वो एक साधारण जीवन जिएगा। वो ये कहता है कि जो उसका मैजिकल रॉड है उसको तोड़ करके वो जमीन के नीचे दफना देगा, और जो उसका मैजिकल बुक है उसको वो समुद्र में डुबो देगा। तो ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रॉस्पेरो का एक अनाउंसमेंट होता है एक्ट 5 सीन 1 में। नेक्स्ट लाइन है, ए दैट आई विल एंड आई विल बी वाइज हियर आफ्टर एंड सीक फॉर ग्रेस What thrice double as was I to take this drunkard for a god and worship this dull fool? ये लाइन जो है कैलिबन प्रॉस्पेरो से एक्ट 5 सीन 1 में बोलता है। देखो ये लाइन कैलिबन प्रॉस्पेरो को तब बोलता है जब एलेंसो प्रॉस्पेरो को ये बताता है कि स्टेफेनो ये उसका बटलर है, साथ में एक ड्रंकर्ड भी है। इस बात को सुनकर कैलिबन बोलता है कि अभी मैं सारा काम बहुत ही बुद्धिमानी से करूंगा, यानी बहुत ही स्मार्टली से करूंगा। इसके पहले मैं कितना स्टूपिड पर्सन था कि इस ड्रंकर्ड को, यानी स्टेफनो के लिए बोल रहा है कि मैं इस ड्रंकर्ड को भगवान मान बैठा था और इस डल फूल की मैं पूजा करता था, यानी वर्शिप करता था। तो ध्यान रखना ये लाइन कैलिबन प्रॉस्पेरो से कहता है, किसके बारे में कहता है, स्टेफनो के बारे में कहता है एक्ट 5 सीन 1 में। नेक्स्ट लाइन है, ओ वंडर हाउ मेनली गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर हाउ ब्यूटीज मैनकाइंड इज ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट Has such a beautiful in it. ये लाइन मिरांडा एक्ट 5 सीन 1 में बोलती है। और ये लाइन मिरांडा तब बोलती है जब प्रॉस्पेरो एक साथ मिरांडा की मुलाकात एलेंसो सेबेस्टियन एंटोनियो गुंजालो स्टेफनो ट्रिंकोलो करवाता है। इन सबको देख करके मिरांडा सरप्राइज्ड हो जाती है। फिर ये लाइन कहती है कि ये सारे लोग कितने अच्छे हैं और पूरी ह्यूमैनिटी कितनी अच्छी है, और इन सारे लोगों को देखकर मिरांडा का जो लिमिटेड नॉलेज है वो एक्सप्लोर हो जाता है, और वो फिर बियॉन्ड लिमिट सोच पाती है कि ये जो पूरी दुनिया है सिर्फ इस आइलैंड तक सीमित नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ध्यान रखना ये लाइन मिरांडा एक्ट 5 सीन 1 में बोलती है। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, ब्रीफ न्यू वर्ल्ड ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है जिसको एल्डस हक्सले ने 1931 में लिखा है और 1932 में इसको पब्लिश कराया गया। नेक्स्ट लाइन है, द रेयरर एक्शन इज इन वर्चू देन वेंजेंस। ये लाइन प्रॉस्पेरो एक्ट 5 सीन 1 में बोलता है। प्ले के लास्ट में प्रॉस्पेरो अपने सारे एनिमीज को माफ कर देता है, और इस लाइन में प्रॉस्पेरो एरियल को कहता है कि देखो
दुश्मनी किसी से करना आसान है, लेकिन किसी की गलती को माफ कर देना ये बहुत ही दुर्लभ विशेषता है। ये एक डिवाइन वर्च्यू है। ये लाइन प्रॉस्पेरो एक्ट 5 सीन 1 में एरियल से कहता है। नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन। ये एक्ट 5 सीन 1 में प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला गया एपिलॉग है। देखो इस लाइन के दो मतलब है। पहला, प्रॉस्पेरो इस लाइन के माध्यम से ऑडियंस से ये कहना चाहता है कि उसने अपनी मैजिकल बुक को समुद्र में डुबो दिया है। अब वो अपने जीवन में किसी भी मैजिक का यूज नहीं करेगा। उसका जीवन उतना साधारण हो गया है जितना आम आदमी का। और दूसरा इस लाइन का मतलब है, हम सबको पता है कि द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की लास्ट प्ले होती है। इसके बाद विलियम शेक्सपियर कोई और प्ले नहीं लिखते हैं। तो इस लाइन के माध्यम से विलियम शेक्सपियर ऑडियंस को ये कहना चाहते हैं कि अब ये थिएटर की दुनिया को छोड़कर अपने होम टाउन वॉरविकशायर को रिटायर होने वाले हैं और वहां पे एक आम आदमी की तरह जीवन बिताएंगे। तो ध्यान रखना, ये जो लाइन है प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला गया एपिलॉग है और ये लाइन आती है एक्ट 5 सीन 1 में। देखो इस तरह से हम लोगों ने द टेम्पेस्ट प्ले के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइंस और कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे फैक्ट्स आपको तैयार रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में विलियम शेक्सपियर के किसी और प्ले को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।